डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का वेक्टर एलजेब्रा का जितने भी क्वेश्चंस है, इसको हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर मैं डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बच्चों। जो भी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर मैं थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा वो भी हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 24 जनवरी का इवनिंग सेशन का सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन आपके सामने में है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के, बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 5j माइनस लैम्डा के, ए डॉट सी इक्वल टू 7 और 2b डॉट सी प्लस 43 इक्वल टू 0 और एक और आप कंडीशन दिया हुआ है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी का मॉड का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये वाला कंडीशन को देखो, यहां पर मैं लिख सकते हैं ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। इसको जब इधर लेके चलेंगे तो आपको ए माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 0 यानी 0 वेक्टर। और जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी ए माइनस बी विल बी पैरेलल टू सी वेक्टर। तो पैरेलल में क्या करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर लैम्डा ऑलरेडी दिया हुआ, तो अपन इसको लैम्डा नहीं मान के कुछ कोफिशियंट मान लेते हैं अल्फा टाइप से, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू अल्फा सी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर आपके पास में मिल गया बी प्लस अल्फा सी वेक्टर। अब ये अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं हम लोग लिख सकते हैं ए ए वेक्टर कितना है, यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर हो जाएगा अगर बैठा देंगे आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के कैप इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 5j माइनस लैम्डा के प्लस अल्फा इंटू सी वेक्टर अल्फा इंटू सी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको सी वेक्टर जो मिल रहा है ये इधर जाएगा, तो 1 बाई अल्फा माइनस 2i या 2j प्लस 5j, तो यहां पर मैं आपके पास माइनस 2i और ये माइनस 5j उधर आएगा, तो प्लस प्लस 7j और ये माइनस लैम्डा के उधर इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा के कैप। अब आपको क्या करना है, ए डॉट सी का वैल्यू दिया हुआ है 7, ए डॉट सी इक्वल टू 7। तो ए डॉट सी जब आप 7 करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 2 यानी 1 बाई अल्फा माइनस 2, 7 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 2 लैम्डा और ये लैम्डा यानी 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 12 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7 अल्फा। इसको एक नंबर कंडीशन दे दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से एक और कंडीशन आपको दिया हुआ है, 2b.c + 43 = 0 यानी 2b.c + 43 = 0। तो यहां पर मैं 2 डिवाइड बाई अल्फा c वेक्टर हो गया और यहाँ पर b वेक्टर कितना है, -2 इंटू 3 यानी -6 -5 + 7 यानी -35 और -2 लैम्डा स्क्वायर + 43 = 0। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपके पास हो गया 43 अल्फा, यहाँ से 43 अल्फा और -41 -82 43 अल्फा इक्वल टू ये 82, ये 41 इंटू 2 82 +4 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा स्क्वायर। इसको दो नंबर इक्वेशन, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करने से आपको बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा
लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन और अल्फा इक्वल टू टू, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन अल्फा इक्वल टू टू। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए डॉट बी का मॉड। तो ए डॉट बी का जो मॉड निकलेगा उसमें से आपको ए डॉट बी का मॉड कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर मैं 3 माइनस 15 माइनस लैम्डा स्क्वायर इसका मॉड, यानी -12 -1। यहां पर मैं ए डॉट बी का मॉड, तो यहां पर मैं 3 माइनस 10 हो जाएगा, यहां पर मैं 3 माइनस 10 माइनस लैम्डा स्क्वायर यानी -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी मॉड ऑफ -8 इक्वल टू 8। तो ये जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा 8 इंटीजर टाइप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, आपको दिया हुआ है 31 जनवरी का इवनिंग सेशन का सवाल है। ए वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस टू के, सी वेक्टर इक्वल टू 5 आई माइनस 3 जे प्लस थ्री के विथ 3 वेक्टर्स एंड आर वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, आर डॉट ए इक्वल टू 0। तो 25 मॉड ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू बताना है। सबसे पहले क्या करो, ये वाला इक्वेशन को ध्यान से देखो। आप लिख सकते हो आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, उधर लेके चलोगे तो आर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, आर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ पर कहीं पर भी लैम्डा नहीं है, लैम्डा को आपका वैल्यू निकालना है, लैम्डा को निकालना होगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आपको क्या दिया हुआ है, आर डॉट ए इक्वल टू 0, तो इसको अगर ए के साथ में डॉट कर देंगे, यानी आर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहां से आपको हो जाएगा ए डॉट सी प्लस लैम्डा ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब ए डॉट सी निकालो, तो ए डॉट सी यहां से निकाल सकते हैं 1 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 6 प्लस 9, यानी 5 माइनस 6 प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 6, 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, ये 14 माइनस 6 यानी कितना हो गया 8 8, ये 5 प्लस 9 14 माइनस 6 8 प्लस लैम्डा, और यहाँ पर 7 माइनस 2 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -8/5। अब आपको क्या निकालना है, 25 मॉड ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज देखना है, आर वेक्टर कितने के बराबर हो रहा है। आर वेक्टर को हम लोग लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर, 5 i माइनस 3 j प्लस 3 k प्लस लैम्डा, और लैम्डा कितना है, -8/5। बी वेक्टर, बी वेक्टर में कितना है, i माइनस j प्लस 2 k कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 8 यानी इक्वल टू आ जाएगा 17 i 17, 25 माइनस 8 17, और -15 प्लस 8 -15 प्लस 8 यानी -7j, और 15 15 के माइनस 16 के यानी 15 के माइनस 16 के यानी -k/5। और आर वेक्टर का मॉड अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपको हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25, और 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 1, ये हो जाएगा 289 प्लस 50, और ये हो जाएगा 933, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 339। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप देख लेना। थैंक यू माय डियर। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है,
ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स एंड एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप और बी डॉट सी इक्वल टू 12 मॉड ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी का वैल्यू बताना है। 30 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है, तो सबसे पहले इसको देखो, ठीक है ना, ये वाले टर्म आपको निकालना है। तो आपको सी क्रॉस ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी डॉट बी ए वेक्टर 1.32 माइनस 1.23 माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। अब यहां पर मैं सी डॉट बी कितना दिया हुआ है 12, तो ये 12 ए वेक्टर माइनस यहां पर मैं सी डॉट ए, ए को लिख सकते हैं यहां पर मैं अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप बी वेक्टर, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां से बी डॉट सी कितना दिया हुआ है 12, तो यहां पर मैं ये हो जाएगा 12 ए वेक्टर माइनस अल्फा, ये बी डॉट सी हो जाएगा, तो ये अल्फा इंटू 12 बी वेक्टर माइनस ये सी डॉट एन कैप, सी इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, देखो ना एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी कैप, यानी सी डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो, तो इसको लिख देंगे 12 ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर। और यहां पर मैं आप देख पा रहे हो, यहां पर मैं आपको इक्वेशन दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप, यानी ए माइनस अल्फा बी कैप इक्वल टू माइनस एन कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 12 एन कैप। और जब इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 12, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 12। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और सवाल है बच्चों हमारे पास में, ये आपके पास में 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, ठीक है ना, 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल है। इस सवाल में अल्फा वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 5k और बीटा दिया हुआ i प्लस 2j माइनस 4k, लेट बीटा 1 बी पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, इफ बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 देन 5 बीटा 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, यानी बीटा 1 किसके पैरेलल है, अल्फा के, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अल्फा एक नंबर, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, यानी बीटा 2 डॉट अल्फा वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से आपको दिया हुआ है ये वाला कंडीशन, बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर मैं इसको डॉट अल्फा से अल्फा से अल्फा वेक्टर से क्या कर दो, डॉट कर दो दोनों साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये अल्फा डॉट बीटा 1 अल्फा डॉट बीटा 1 प्लस प्लस यहां पर मैं अल्फा डॉट बीटा 2, अल्फा डॉट बीटा 2 कितना हो जाएगा जीरो, और यहां पर मैं अल्फा डॉट बीटा अगर देखोगे अल्फा डॉट बीटा तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 यानी 4 प्लस 6 और यहां पर मैं 5 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 10 इक्वल टू अल्फा और इक्वल टू यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा 1 और अल्फा अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू बीटा 1 यानी बीटा 1 को लिख सकते हैं यानी लैम्डा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, लैम्डा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो यहां से आपको मिल रहा है यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 इंटू माइनस 4, तो यहाँ पर मैं -10 इक्वल टू लैम्डा और व्हाट इज मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर आपके पास में हो गया 16 प्लस 9 प्लस 25 यानी लैम्डा इक्वल टू -1/5, लैम्डा इक्वल टू -1/5, तो यहां से आपको क्या निकालना है बीटा 2, तो बीटा 2 जो वेक्टर हो जाएगा बीटा 2 इक्वल टू
बीटा माइनस बीटा वन, बीटा टू इक्वल टू बीटा माइनस बीटा वन, और बीटा वेक्टर कितना है, बीटा वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस फोर के माइनस व्हाट इज बीटा वन, लैम्डा इंटू अल्फा, और माइनस माइनस प्लस, लैम्डा का वैल्यू 1/5, तो 1/5 इंटू अल्फा, अल्फा में आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 5k। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बीटा टू वेक्टर कितना हो जाएगा, ये 9i, 9i और 13j, यानी 9i प्लस 13j और 5 माइनस 20 यानी -15, -15 के कैफ डिवाइड बाई 5, ये बीटा टू वेक्टर हो गया। तो आपको निकालना है 5 बीटा 2 इंटू आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, यानी 5 बीटा 2 इंटू आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 इंटू 1, 13 इंटू 1 -15 इंटू 1, यानी 9 प्लस 13 माइनस 15 यानी 7, यानी 7। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 7। तो बेसिक सवाल है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, ठीक है ना। थर्टी जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक सवाल है, ए वेक्टर का मॉड रूट 31, 4b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2, 2a क्रॉस b इक्वल टू 3c क्रॉस a वेक्टर, एंगल बिटवीन b एंड c 2π/3। तो आपको a क्रॉस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a डॉट b का होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। सबसे पहले इसको लिखो, 2 टाइम्स a क्रॉस b इक्वल टू 3 टाइम्स c क्रॉस a। जब इसको इधर लेके चलेंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2b माइनस 3c क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू 0, और ये माइनस जब इधर हो जाएगा तो इसको लिख देंगे ए क्रॉस 2b माइनस, इधर आ जाएगा प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, ये माइनस को इधर प्लस कर देंगे तो ए वेक्टर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ से ए क्रॉस दिस इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स 2b प्लस 3c वेक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको ए क्रॉस सी जो निकालना है उसको देखो, आपको निकालना है ए क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस सी करेंगे तो इसके साथ क्रॉस कर देंगे तो लैम्डा 2b प्लस 3c क्रॉस c वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा 2b प्लस 3c डॉट b वेक्टर, और ये इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये यहाँ पर दोनों का डॉट है तो ये लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आ जाएगा 2b क्रॉस c यानी 4b क्रॉस c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4b क्रॉस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4b क्रॉस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं आप लिख दोगे 2b डॉट b, 2 mod of b² प्लस 3b डॉट c। अब देखो b क्रॉस c के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर मैं b क्रॉस c के लिए लिखेंगे इक्वल टू 4 mod of b² इंटू एंगल, ये 2π/3, ये हो जाएगा साइन 2π/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू मॉड ऑफ b² मॉड ऑफ b कितना है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू b डॉट c। तो
तो बी डॉट सी में आपको कितना हो जाएगा, बी का मॉड है 1/2, सी का मॉड 2 और कॉस 120 डिग्री। तो आपको डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3/2, 2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 −3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका बी का मॉड सी का मॉड स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा 2 √3/2 स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर 1/2 −3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 3/4 और डिवाइड बाई 1 का −1 का होल स्क्वायर। ये 4 4 कैंसिल 3, ये जो सवाल है इसका आंसर हो गया 3। इंटीजर टाइप सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ a = √14, मॉड ऑफ b = √6, a × b का मॉड = √48। तो a·b का होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है आपको सभी को पता है, मॉड ऑफ a × b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a·b का होल स्क्वायर इक्वल टू mod of a² mod of b²। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √48, यानी 48 plus mod of a·b का होल स्क्वायर, और व्हाट इज मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, यानी 14 into mod of b 6। तो मॉड ऑफ a·b का होल स्क्वायर इक्वल टू 84 − 48 = 36। तो ये जो सवाल है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 36। इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट ए बी सी डी आर a − b + c वेक्टर, λ a − 3b + 4c वेक्टर, −a + 2b − 3c वेक्टर एंड 2a − 4b + 6c वेक्टर। इफ ए बी ए सी ए डी आर कोप्लानर, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास में तीन इस तरह का वेक्टर है ए से बी सी और डी, यानी ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी, ये तीनों क्या हो रहा है, प्लेन में इस तरह से कोई एक प्लेन में लाई करेगा। जब ये प्लेन में लाई करेगा तो तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। इसमें ए बी सी को अपन आई जे के मान सकते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा इसको मान लेंगे 1 − 1 1। मैंने क्या किया, ए वेक्टर को ले लिया आई कैप के अलोंग, बी वेक्टर को ले लिया जे कैप के अलोंग और सी वेक्टर को ले लिया के कैप, तीनों क्या है, नॉन जीरो नॉन कोप्लानर। तो आई जे के क्या होता है, आई जे और के तीनों क्या होते हैं, नॉन कोप्लानर होते हैं। तो मैंने ए का पॉइंट को मान लिया 1 − 1 1, बी का पॉइंट को मान सकते हैं λ λ − 3 4, और सी का पॉइंट को मान सकते हैं −1 2 − 3 −1 2 − 3, और डी का पॉइंट को मान लेंगे 2 − 4 6। अब तीनों वेक्टर निकाल सकते हैं, जैसे बॉक्स ए बी ए सी ए डी, ये कितना हो जाएगा 0। तो बी माइनस ए वेक्टर, यानी बी माइनस ए वेक्टर, तो इसको निकाल देंगे λ − 1, ये −3 + 1 यानी −2, और 4 − 1 कितना हो जाएगा 3, ये ए बी वेक्टर लिख लिया। इसी तरह से ए सी वेक्टर को कितना लिखेंगे, सी माइनस यानी −1 − 1 यानी −2, और 2 + 1 3, और −3 − 1 −4। यहां से डी माइनस ए 2 − 1 1 − 4 + 1 यानी −4 + 1 − 3, और 6 − 1 कितना हो जाएगा 5। इसका डिटरमिनेंट को कितना कर देंगे 0। एक बार चेक कर लीजिए, λ − 1 − 3 + 1 − 2 4 − 1 3, −1 − 1 − 2 2 + 1 3, −3 − 1 − 4 2 − 1 1 − 4 − 4 + 1 − 3, और 5 6 − 5। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 + 12 − 12 यानी 15 − 12 यानी 3 × λ − 1, ये −−+2 + 2 × ये −10
-10 +4 +3 into 6 -3 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख देंगे 3 लैम्डा -3 और -6 into 12 यानी -12 + -12 + 9 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 3 लैम्डा -15 + 6 यानी -6 यानी 6। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी ये जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2। इस तरह से सवाल को